So this is our patient, Mrs. Kusum Lata, jinki age 42 years hai. और ये नारायणा हॉस्पिटल के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं. इनकी कमर की सर्जरी हुई है जो कि डीकम्प्रेशन और फिक्सेशन कहलाती है. तो आज ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी. बताइए कुसुम जी, आपकी तकलीफ़ के बारे में, कितने समय से ये तकलीफ़ थी? मुझे 4-5 साल से ये प्रॉब्लम थी. तो दर्द रहता था, पेन किलर खाया, उससे आराम पड़ जाता था. लेकिन अभी लास्ट फरवरी से मुझे पेन ज़्यादा होने लग गया था. पेन भी इतना कि कोई पेन किलर काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से चल रहा था. फिर मैं मई में डॉक्टर संदीप चौहान है आरटीएमएस में, उनको दिखाने के लिए गई थी. हाथ को दिखाने के लिए भी गई थी और प्लस मैंने उनसे कमर के हाथ का कुछ पहले कोई ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ. क्योंकि पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी चोट लग गई थी. ओके, तो उन्होंने आपको डॉक्टर राजेश के बारे में बताया है? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर राजेश वर्मा के पास नारायणा में आप जाके एक बार दिखा लो, वो अच्छे डॉक्टर हैं. तो फिर हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आके सर से बात करी, अच्छा लगा. उन्होंने कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं बोला जो अदर्स जगह पे, हमने कई जगह पे दिखाया था तो उन्होंने बोला रिस्की होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है बाद में. लेकिन सर ने ऐसा कुछ नहीं बोला तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक हो जाएंगे. ऑपरेशन कराने का मन बनाया. अभी कुछ 15 दिन पहले से तो ऐसा हो गया था कि मेरे से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था. मैं लेटरिन बाथरूम भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं. कितने टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना था ये जो आपने सफ़र किया? 4-5 साल. 4-5 साल से आप ये सफ़र कर रही थी. तो अब ऑपरेशन हो जाने के बाद, आज ऑपरेशन होके आपका तीसरा दिन है, चौथा दिन है. तो अब कैसा लग रहा है ऑपरेशन होके? बहुत अच्छा लग रहा है. मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, चल रही हूँ. हाँ जी. पैर में दर्द नहीं हो रहा, नहीं तो मेरा लेफ्ट पैर पूरा ही एकदम से रुक सा गया था. ओके. बिल्कुल ही नहीं चल पाता था, हिल भी नहीं पाता था. कल को भी ऐसा होता था कि झंझनाहट और सुनपन उसमें हो जाता था, जो अभी फिलहाल मुझे बिल्कुल भी नहीं. तो आप आराम से अकेले उठ करके वॉक कर पा रही हैं, अपने बेसिक एक्टिविटीज़ कर पा रही हैं? बिल्कुल. एक बार आप हमें चल के दिखाएंगी? तो ये पेशेंट हैं, आज 4 दिनों के बाद, ऑपरेशन के बाद ये आराम से अपने आप उठ सक रही हैं. और वॉकिंग के लिए भी इन्हें कोई वॉकिंग एड की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली ये वॉक कर पाती हैं. और हॉस्पिटल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा. सारे स्टाफ अच्छे हैं, सर अच्छे हैं, सब चीज़ें टाइम पे, रूटीन वाइज. तो आप अब नारायणा हॉस्पिटल को किस तरह से ग्रेड कर सकती हैं? 10 कितने मार्क्स दे सकती हैं? आपको 10 of 10 देना चाहती हूँ. वेरी गुड, वंडरफुल. मेरे और दो हैं रिलेटिव जो इसी तरह की प्रॉब्लम से चेहरे परेशान हैं. Okay. मैं सजेस्ट करूँगी कि वो भी यहाँ पे आके दिखाएं. वंडरफुल. और तो हमें भी खुशी है इस बात की कि आप इस सर्जरी से सेटिस्फाइड हैं. और हम विश करते हैं आगे भी आपको कि आप पूरी तरह से रिकवर करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें. थैंक यू सो मच.